उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के बैनर तले माथुर वैश्य महासभा भवन में सिंधी छेज एवं सिंधी भगत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सिंधी भाषा को पढ़ाने के लिए, सिंधी भाषा बच्चों में कायम रहे उसको लेकर के कार्यक्रम करती है, तो आज इसी कड़ी में अकादमी के द्वारा इस माथुर वैश्य महासभा भवन पर एक सिंधी छेज और सिंधी भगत का कार्यक्रम किया है। और हमारे शहर के उद्यमी पूरन डावर जी, हमारे विभाग प्रचारक आनंद जी और तमाम शहर के और गणमान्य लोग यहाँ आए हैं। पूरा हॉल आप देख रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है। सिंधी अकेडमी का लखनऊ द्वारा आयोजित ये सिंधी छेज भगत का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि बच्चे द्वारा भी प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। और बहुत ही, ये हर साल हम कार्यक्रम करते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा हॉल हमारा भरा हुआ है। इसमें तुलसी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज, केजी इंटर कॉलेज और साईं टेवराम मंडी द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। वर्ष की बात, इस वर्ष भी माथुर वैश्य बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे सिंधी समाज को जो है भाषा प्रचार का किया जा रहा है, जिसमें अनेकों स्कूलों से यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों का, कलाकारों की प्रस्तुति की गई है। और भगत कबराम जी का भी एक कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी लोगों ने भाग ले रहे हैं और सब लोगों को, आए हुए लोगों में सबको धन्यवाद दे रहा था। आज उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के नेतृत्व में माननीय समाज सेवी हेमंत भोजवानी जी के नेतृत्व में माथुर वैश्य महासभा सभागार में ये कार्यक्रम हुआ है। आज माथुर वैश्य महासभा में जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कि हेमंत भोजवानी द्वारा किया गया है, एक सिंधी समाज को संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी बोलें अपने घर में बच्चों से, और नई पीढ़ी को सिखलाएं कि किस किस त्याग को सिंधी समाज ने किया है